दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति का नंबर नोट करते हैं उसी एंड टाइम पर उसी एंड वक्त पे हमारा पेन धोखा दे देता है, चलने नहीं लगता है और हमें बहुत ज़्यादा जोर की गुस्सा आती है कि हम जाहिर नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो आज हम जानने वाले हैं कि हमें अपने पूरे जीवन भर पूरे लाइफ में किस प्रकार के पेन का उपयोग करना पड़े, चाहे आप विद्यार्थी हो चाहे व्यक्ति, ताकि आपको जीवन भर कभी धोखा ना खाना पड़े। तो आइए चलते हैं पहले पेन के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले व्यक्ति मोर पंख से लिखा करते थे, ठीक ना, या फिर एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है उससे लिखा करते थे प्राचीन काल में, ठीक ना। उसके बाद फिर फाउंटेन पेन आया, उसके बाद फाउंटेन पेन के 1884 ईस्वी में बॉल पेन आ गया, ठीक। और अभी जो हम पेन यूज करते हैं उसे बॉल पेन कहा जाता है। तो पेन के अभी दो प्रकार हो गए हैं, एक बॉल पेन और एक होता है जेल पेन। तो जेल पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है और बॉल पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है और हमें किस प्रकार के पेन का उपयोग करना चाहिए, एक विद्यार्थी के लिए सही पेन क्या होती है, सारा का सारा नॉलेज आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले होती है पेन दो प्रकार के, एक होता है बॉल पेन और एक होता है जेल पेन। तो जेल पेन का उपयोग हमें उस जगह पे करना चाहिए जहाँ पे हम किसी ऐसे अक्षर का लिखना चाहते हैं, ऐसे वर्ड लिखने चाहते हैं जो कि बिल्कुल टाइपिंग के समान हो, ठीक ना। ये कभी भी परीक्षा में नहीं लिखे जाते हैं, यह केवल प्रोफेशनल लाइफ में ही लिखे जाते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई जेल पेन का उपयोग। अब बॉल पेन जो हम अभी एग्जाम में लिखा करते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास होता है, सारा का सारा पेन जो है बॉल पेन कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए एक व्यक्ति को कौन से पेन रखने चाहिए, सबसे पहली बात आपको पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का एक पर्सनल पेन होनी चाहिए। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनल आदमी होता है ना कि वह मेरा पर्सनल आदमी है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति का पर्सनल पेन होना चाहिए। चाहे आप लिंक का रखें, चाहे आप सेलो का रखें, चाहे आप नटराज का रखें, ठीक ना, या फिर आप किसी भी कंपनी का रखें, आपका एक पर्सनल पेन होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ क्या होनी चाहिए कि अगर आप छोटा छोटे वर्ड लिखना पसंद करते हैं, ठीक, अगर आप छोटे छोटे वर्ड लिखना पसंद करते हैं तो आपको कैसे पेन रखने चाहिए, आपको वैसे पेन रखने चाहिए जो पतला चले, ठीक। जो पेन पतला चलता है उससे अगर आप छोटे छोटे वर्ड लिखेंगे तो आपका वर्ड बिल्कुल एकदम सुंदर दिखेगा, ठीक। लेकिन अगर आपको छोटे वर्ड नहीं लिख रहे हैं, अगर आप बड़े वर्ड लिखना पसंद करते हैं, तब आपको कैसे पेन रखने चाहिए, तब आपको वैसे पेन रखने पड़ेंगे जो कि गाढ़ा चलता है, यानी कि मोटा चलता है, तब आपकी राइटिंग उसमें खूब जमेगी, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गई। अगर एग्ज़ाम की बात कर लें तो एग्ज़ाम में अगर आपको पेज जल्दी भरना है तब आपको मोटे पेन का उपयोग करना होगा जो मोटा चलता है, ठीक। लेकिन अगर आप एग्जाम में पतला पतला और सुंदर छोटे छोटे वर्ड लिखना चाहते हैं तब आपको वैसे पेन का उपयोग करना चाहिए जो पतला चलता है, ठीक ना। तो ये हो गए एग्जाम की बात। अब हम बात करते हैं कि ये पेन जो है पहले किसने बनाया, तो ये पेन का तो आविष्कार वाटरमैन ने किया था, ठीक ना, और फ्रांस देश में हुआ था। अब देखिए विद्यार्थी को मुख्य रूप से कौन से पेन का उपयोग करना चाहिए एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में विद्यार्थी ब्लू पेन का उपयोग करते हैं, लेकिन आप ब्लैक पेन का भी उपयोग कर सकते हैं अपने जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक ना। तो देखिए सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि हमें किस प्रकार के पेन का उपयोग करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में पूरे के पूरे लाइफ में एक पेन पकड़ना होगा, ठीक, और एक ऑप्शनल पेन रख लीजिए। जैसे कि मैं अपना पेन रखा हूँ नटराज, नटराज का मैं उपयोग करता हूँ, ठीक, और साइड में एक रख लेता हूँ लिंक, अगर नटराज नहीं मिला तो लिंक का पेन उपयोग करता हूँ। उसी प्रकार आप अपना एक फाइनल पेन सेलेक्ट कर लीजिए कि इसी पेन को मुझे जीवन भर चलाना है, ठीक। तब देखिए आपकी जो पेन की राइटिंग होगी ना वो आपके खूब जमेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका पेन है वही आपके राइटिंग को, हेड राइटिंग को बनाने में अहम भूमिका निभाता है और हेड राइटिंग आपके एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं। तो एक पेन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहुँचा सकती है, ठीक ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, आपको यह नॉलेज जानकारी पसंद आई तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और देखिए और एक चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस पेन का उपयोग किस अधिकारी द्वारा किया जाता है, ब्लैक पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ब्लू पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, हरा पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक ना, और रेड पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद।